जय गुरु। आई एम पूजा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन योगदा सत्संग महाविद्यालय। हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो क्लास आई विल एक्सप्लेन यू ऑन द टॉपिक व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, यानी वित्तीय प्रबंध क्या है और इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। Listen this topic very carefully as it's important from exam point of view. Pay attention. Let's start concept of financial management. Before understanding the meaning of financial management, as we all know, finance is the lifeblood of any organization. Is line se kya samjhe? Finance is the lifeblood of any organization. Dekhiye, jaise human body ke liye ब्लड का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके सर्वाइवल के लिए, उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में फिनेंस का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके एग्जिस्टेंस के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए। नो फिनेंस, नो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिनेंस का यानी मनी का जो नीड है वो फ्रॉम पेन टू मशीन सब कुछ के लिए चाहिए, वेदर डे टू डे रिक्वायरमेंट हो या आपका फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए हो। ठीक है, सो इट कैन नॉट मूव अ स्टेप विदाउट फिनेंस, विदाउट मनी। दैट्स व्हाई फिनेंस इज नोन एज, या इट्स कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अब लेट्स मूव ऑन, देखते हैं अब क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक लेमैन के लैंग्वेज में हम लोग समझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी किसका मैनेजमेंट हो रहा है? फिनेंस। एंड फिनेंस इज नथिंग बट व्हाट? इट्स मनी, मतलब मैनेजमेंट ऑफ मनी। अब इसी को हम लोग एक फिनेंस के लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ दो डेफिनेशन है आपका, नंबर वन एंड नंबर टू। यू कैन यूज आइदर ऑफ टू इन योर एग्जाम to write the definition. First one, let's see. Financial management is the process of acquiring and utilizing funds by a business. Aur dusra hai, financial management is the operational activity of a business that is responsible for obtaining and efficiently utilizing the funds necessary for efficient ऑपरेशंस। आई वुड सजेस्ट कि आप सेकेंड डेफिनेशन को लिखिए एग्जाम में। ठीक है, देखिए अब वित्तीय प्रबंध से हम क्या समझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि फंड, जो रिक्वायर्ड फंड है ऑर्गेनाइजेशन में, जो फंड चाहिए वो कहाँ से, वो फंड को हम रेस करें। ठीक है, वो फंड को कहाँ से रेस करें, वेदर फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, या शेयर के थ्रू इशू करें, या लोन के फॉर्म में उसे रेस कर लें। ठीक है, फ्रॉम वेयर। ठीक है, और उसे ऑब्टेन करने के बाद कैसे हम उसे यूटिलाइज करें, उस फंड को, मतलब वो फंड को हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे मिनिमम रिस्क पर मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन का एक रूटीन एक्टिविटी है जो कंटिन्यूस साइकिल बोल सकते हैं, जो चलते ही रहता है। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। दो बातों को इन कंक्लूजन यू हैव टू रिमेम्बर, कि पहला उसे ऑब्टेन कहाँ से करें और दूसरा उसे कैसे यूटिलाइज करें जिससे मिनिमम रिस्क पर मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, मतलब वो फंड को हम कहाँ इन्वेस्ट करें। क्लियर है?
So let's move on. Objectives of financial management, यानी वित्तीय प्रबंध के क्या उद्देश्य हैं? The two main objective of financial management are as follows. देखिए, financial management का दो objective हैं, ठीक है? वो दो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी लाभ अधिकीकरण उद्देश्य. नाम से ही मालूम हो रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब प्रॉफिट को अधिक से अधिक कमाना, ठीक है, मैक्सिमाइज करना. और ये लगभग सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है. लेट्स सी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वन मिनट. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है. तो ये वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. अब इसके फेवर में हम लोग देखेंगे कि व्हाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है. आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नंबर वन, प्रॉफिट एक्ट एज अ मोटिवेटर विच हेल्प्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर एफिशिएंट. यानी प्रॉफिट एक मोटिवेटर का रोल प्ले करता है. अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मोर एंड मोर अर्न करेगा तो वो और भी वो ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेटेड होगा कि और भी अच्छा करना है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो और प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है, वो अपने गोल्स को जो है ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सके. क्लियर है? नेक्स्ट, देयर मे बी एडवर्स बिजनेस कंडीशंस लाइक रिसेशन, सीवियर कंपटीशन एक्सेट्रा. अंडर सच सर्कमस्टांसेस अ बिजनेस विल बी एबल टू सर्वाइव ओनली इफ इट हैज सम पास्ट अर्निंग. देखिए, ऐसा बिजनेस में रिस्क तो रहता है, ठीक है. तो बिजनेस में ऐसा कंडीशंस भी आ सकता है, जैसे रिसेशन आ गया, या कोई ऐसा सीवियर कंपटीशन आ गया, या जो अभी करंट सिनेरियो जो है, जो चल रहा है कोरोना का, वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी फेस कर रहा है. तो अगर ऐसे केस में बिजनेस में रिजर्व के फॉर्म में प्रॉफिट का होना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है या जो भी वो कंडीशंस को मीट करना है जहां पे, वो इजिली वो मीट कर सके. तो वो कब मीट कर पाएगा? जब ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ पास्ट अर्निंग होगा तभी. दैट्स व्हाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट. क्लियर है? नेक्स्ट, प्रॉफिट आर द मेजर सोर्स ऑफ फिनेंस फॉर द ग्रोथ ऑफ फर्म. ठीक है, एक मेजर सोर्स ऑफ फिनेंस भी है, क्योंकि प्रॉफिट अगर होगा ऑर्गेनाइजेशन के पास तो वो प्रॉफिट को वो री इन्वेस्ट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में फॉर मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन के पर्पस के लिए. तो जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का और ग्रोथ होगा, ठीक है, वो और अपर ग्राफ में पहुंचेगा एंड ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू अचीव इट्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. क्लियर है? नेक्स्ट, एवरी बिजनेस हैज लिमिटेड कैपिटल, देयरफॉर इट्स एफिशिएंट यूज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट. मतलब प्रॉफिट जो है एक आपका यार्डस्टिक, एक मापने का बोल सकते हैं, एक ये तरीका है, एक यार्डस्टिक है. मतलब देखिए, कहता है कि सारे बिजनेस में लिमिटेड कैपिटल होता है, ठीक है. रिसोर्सेस हम क्या पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में भी, कि रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड है, स्कैर्सिटी है रिसोर्सेस का, ठीक है, आइदर वो फिनेंस ही क्यों ना हो, ठीक है. तो इसका एफिशिएंट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हम प्रॉफिट के बेसिस पे हम उसे मेजर कर सकते हैं. अगर प्रॉफिट बहुत मैक्सिमम कंपनी कमा रहा है, इसका मतलब है कि वो
ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है. अगर प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी है वो भी नहीं कमा रहा है ऑर्गेनाइजेशन, इट्स तो ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेस का, एसेट का. क्लियर है? तो एक यार्डस्टिक का भी ये काम करता है प्रॉफिट. ठीक है, नेक्स्ट. आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अब इसके अगेंस्ट में हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉफिट इज अ वेग कॉन्सेप्ट एंड इट मीन्स डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल. ठीक है, प्रॉफिट एक वेग कॉन्सेप्ट है, मतलब ये डिफरेंट पीपल जो है इसे डिफरेंटली अज्यूम करेंगे. देर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रॉफिट विच इज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. तो अब ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव, तो वो कौन सा प्रॉफिट है जो ऑर्गेनाइजेशन अर्न करना चाहता है? यहां तो बहुत सारा प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है, ग्रॉस प्रॉफिट भी है, नेट प्रॉफिट भी है, पीबीटी भी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पैट भी है. तो कौन सा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्न करना चाहता है? तो ये पीपल, ये इन्वेस्टर्स हो सकता है आपका गवर्नमेंट, आपका आउटसाइडर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स जो है वो डिफरेंटली इसे अज्यूम कर ले और एक कंफ्यूजन क्रिएट करे. ठीक है, तो इट्स अ वेग कॉन्सेप्ट. क्लियर? नेक्स्ट, इट इग्नोर्स द रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विथ प्रॉफिट. देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. ठीक है, तो जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें वो रिस्क फैक्टर को टोटली इग्नोर करता है, वो अनसर्टेनिटी को इग्नोर करता है. ठीक है, मतलब बस प्रॉफिट को अर्न करना है. अब प्रॉफिट को अर्न करने में क्या रिस्क और क्या अनसर्टेनिटी फेस करना पड़ेगा उसे वो इग्नोर करता है. ठीक है, और एक और है जो इग्नोर करता है, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, मतलब जो प्रॉफिट कमाना है वो अभी प्रेजेंट में उसका क्या वैल्यू है वो पीवी फैक्टर के थ्रू उसे कंप्यूटेशन उसका नहीं करता है. क्लियर? फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट एट द कॉस्ट ऑफ सोशल एंड मॉरल ऑब्लिगेशंस. जस्ट फोकस है प्रॉफिट को अर्न करना, मैक्सिमाइज करना, लेकिन वो ये कंसिडर नहीं कर रहा है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है बिजनेस का टूवर्ड सोसाइटी, उसमें ये कंसिडर नहीं किया जा रहा है कि कंज्यूमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए. हो सकता है उसमें थोड़ा प्रॉफिट को एडजस्ट भी करना पड़े जो वो मैक्सिमाइज करना है, तो वहां वो आपका कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा है, वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा है. तो ये मतलब इन टोटैलिटी या जनरल इंटरेस्ट पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो काम नहीं करता है. दैट्स व्हाई इट्स अ नैरो कॉन्सेप्ट एट द कॉस्ट ऑफ सोशल एंड मॉरल ऑब्लिगेशंस. नेक्स्ट है आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का, वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जिसे हिंदी में हम कहते हैं मूल्य अधिकीकरण उद्देश्य. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन. यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हम लोग वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से हम क्या समझे? जस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑपोजिट है. इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है? शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमम करना, उसे मैक्सिमाइज करना. मतलब जो इन्वेस्ट कर रखा है इन्वेस्टर्स ने कंपनी में, वो स्टॉक के मार्केट पर शेयर को मैक्सिमाइज करना ही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है. क्लियर? देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड टेक सच डिसीजंस विच इंक्रीज नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म. और मार्केट पर शेयर कब मैक्सिमाइज होगा स्टॉक होल्डर्स वेल्थ का? जब ऐसा डिसीजन लेना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है,
वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा उसका डिसीजन लेना चाहिए जो जिससे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है फर्म का बढ़ रहा है, मतलब वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए जिसमें एनपीवी पॉजिटिव भी हो और ज्यादा भी हो एज कंपेयर टू अनदर प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर एनपीवी ज्यादा होगा मतलब स्टॉक होल्डर्स वेल्थ पे भी इंक्रीमेंट होगा। क्लियर है? नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, मतलब जो प्रोजेक्ट में हम लोग ने इन्वेस्ट किया है उसमें इनफ्लो कितना आ रहा है, अगर 15 लाख आ रहा है, ठीक है, और आउटफ्लो मतलब उसमें हम लोग ने इन्वेस्ट कितना किया था वो प्रोजेक्ट में 10 लाख, तो 15 लाख आ रहा है और 10 लाख हम इन्वेस्ट किए, तो मेरा एनपीवी कितना हुआ? 5 लाख। तो अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, सपोज दो प्रोजेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन के पास कि ए और बी है, अब वो कौन से मशीन को परचेज करे, तो वो उसे उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए जिसमें एनपीवी जो है वो पॉजिटिव और ज्यादा हो एज कंपेयर टू अनदर प्रोजेक्ट। क्लियर है? तो यही आपका दो ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, विच इज योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, सो इन नेक्स्ट वीडियो क्लास आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑन द टॉपिक फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थैंक यू। जय गुरु।